तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन, हमारा फेवरेट टॉपिक, फेवरेट चैप्टर ग्रेविटेशन। जब रोज एहसास करते हैं, रोज फील करते हैं। अच्छा, चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो गया, उसका डाउट सेशन रखा है हमने। आज शाम को आपको मिलेगा डाउट सेशन पूरा, आप उसमें अपने सारे एक्सरसाइज के जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। हालांकि अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है बच्चों, ग्रेविटेशन। तो ये ऐसा ही चैप्टर आप लगभग 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, हाँ, जिसमें आपने न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ G m1 m2 / r2। हाँ, यस 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 यस, ओके। तो ये हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं उसी का डिटेल वर्जन। ग्रेविटेशन में किस तरह से अर्थ के आसपास सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व होते रहते हैं, अगर वो रिवॉल्व हो रहे हैं तो बच्चों उस रिवॉल्यूशन के पीछे क्या लॉजिक्स हैं। कोई प्लैनेट सन के अराउंड में रिवॉल्व होता है तो कौन सी ऑर्बिट में, कितने टाइम में, फिर कितनी स्पीड से, ये सारी बातें जानेंगे। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं विद हिस्ट्री, थोड़ी बहुत हिस्ट्री देख लेते। यानी जो सन के अराउंड मोशन है उसमें अर्थ सन के अराउंड मोशन करती है ऐसा हमें पता है, बट जब पहले जब बातें चल रही थी तो जियोसेंट्रिक लॉजिक की बात होती थी। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है, जो जियोसेंट्रिक की बात करते हैं उसकी बात ये है बच्चों कि भाई अर्थ जो है वो सेंटर में है और सन और बाकी प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं, इसे बोलते हैं जियोसेंट्रिक। ठीक है, पहले ऐसी बातें होती थी। फिर उसके बाद हेलियोसेंट्रिक बात है, हेलियोसेंट्रिक यानी साइंटिस्ट जो है रिसर्च करते रहे। कई साइंटिस्ट थे, टॉलेमी थे, आर्यभट्ट थे, अलग अलग साइंटिस्टों का इनमें जो इन्वॉल्वमेंट था। उसके बाद ऐसा चलता गया, सभी साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से, गैलीलियो से ये बात स्टार्ट होती है, अलग अलग अलग। ठीक है, हम हमारी जो जरूरी बातें हैं वो बात करते हैं। हेलियोसेंट्रिक का मतलब क्या है कि भाई सन सेंटर में है और अर्थ उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर खास ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होती है। हाँ के ना, समझ में आया के नहीं, क्लियर ये मेरी बात बिल्कुल? हाँ के ना, यस यस यस, क्लियर के नहीं, समझ गए? यस। हाँ, तो मैंने आपको दो नाम दिए बच्चों, टॉलेमी एंड आर्यभट्ट। तो टॉलेमी थे, उन्होंने ऐसा कहा कि जियोसेंट्रिक जो इस मतलब यानी अर्थ सेंटर में है, पर जो आर्यभट्ट है उन्होंने कहा भाई सन सेंटर में है और अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व होती है, पर उन्होंने जो ऑर्बिट है अर्थ की वो कैसे बताएं, सर्कुलर। यानी ये तो गलत है, ये सही है, पर उसमें ये गलत है, सर्कुलर नहीं। आपको पता है कौन सी ऑर्बिट होती है, बताइए, मैसेज करिए फास्ट, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो मैं तो बताने वाला हूं। बताइए कैसी ऑर्बिट में, कैसी ऑर्बिट में, याद है? नहीं पता। एलिप्टिकल अर्थ कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व होती है अराउंड द सन, एलिप्टिकल यानी ऐसी ऐसी, इसके बारे में भी जानेंगे, सो डोंट वरी। बोलो क्लियर हिस्ट्री, थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत क्या हिस्ट्री, जियोसेंट्रिक क्या है, हेलियोसेंट्रिक
हेलियोसेंट्रिक क्या है पता चला कि नहीं मेरे बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलो आगे चलते हैं। ओके डन डन क्या नहीं, फटाफट मैसेज करो। अरे मैसेज नहीं आ रहे, प्राइवेटली मत करो। लाइव क्लास में मैसेज कर रहा हो तो प्राइवेटली मत करो, अगर प्राइवेटली करोगे तो मुझे नहीं दिखेंगे। हाँ प्राइवेटली करोगे तो मुझे नहीं दिखेंगे, हाँ शायद होस्ट को चले जाएंगे। ठीक है चलो ठीक। इसके बाद एक साइंटिस्ट है टाइको ब्राही, अलग अलग नाम है भाई, अपने अपने नाम है, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए उनके नाम चाहे जो भी, उनका काम बहुत जबरदस्त है। टाइको ब्राही, एक टाइको ब्राहे नाम के साइंटिस्ट ने पूरी जिंदगी यानी अपने जीवन के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस किए अपनी आंखों से, कोई इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं किया, ऐसे ही अंदाजा लगा, उन ऑब्जर्वेशन का यूज करके जॉन कैपलर, नाम तो सुना ही होगा कैपलर, जॉन कैपलर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने फाइनलाइज किया कि कैसे रिवॉल्व होती है, कितने टाइम में रिवॉल्व होती है, किन किन लॉस के हिसाब से रिवॉल्व होती है अर्थ सन के अराउंड और एवरी प्लैनेट अराउंड द सन कैसे रिवॉल्व होते हैं। उनके लिए कैपलर ने तीन लॉ दिए हैं, वो हम पढ़ेंगे। चलो क्लियर ना? हाँ यस और नो? चलो तो पहला जो लॉ है, तीन लॉ पढ़ते हैं, तीन लॉ, कैपलर्स लॉ फॉर मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। तो कैपलर्स फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे हम लोग, जैसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ था ऐसे कैपलर्स फर्स्ट लॉ है। कैपलर का फर्स्ट लॉ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, उसको बोला गया बच्चों लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या बोला गया? लॉ ऑफ ऑर्बिट मेरे बच्चों, क्या बोला गया? लॉ ऑफ ऑर्बिट। हाँ ठीक है, तो कैसे उन्होंने ये, अच्छा लॉ ऑफ ऑर्बिट बहुत सारे प्लैनेट होंगे उनके बारे में बात करें, तो ये लॉ क्या है? तो एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट, इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट। क्लियर? एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड इन विच सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। अब आप समझो कि सर ये क्या बोल रहे हैं, तो मैं आपको अभी समझाऊंगा एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होती है। तो भाई एलिप्टिकल ऑर्बिट की जानकारी ले लेते हैं, आइए कोई दिक्कत नहीं। ऐसी ऑर्बिट होती है इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट बोला जाता है। ये जो एक्सिस होती है इसको मेजर एक्सिस और इस एक्सिस को माइनर एक्सिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। या आप इसको हटा दीजिए तो आप देखोगे बच्चों, ध्यान से देखिए, ये जो लेंथ बनेगी यहां पे उसके बारे में बात करेंगे, इसको बोलेंगे हम 2a यानी मेजर एक्सिस। अंडे जैसा शेप है और ये जो लेंथ है बड़ी वाली उसको मेजर एक्सिस 2a, उसकी लेंथ हो गई ट्वाइस की। और यहां पे जो छोटी वाली है बच्चों, छोटी वाली उसकी लेंथ है 2b यानी उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। पक्का?
अच्छा जियोमेट्री आप पढ़े हैं, वो बिना लाइनों वाली किताब आती थी 8, 9, 10 में, हाँ के ना, वो देखा है क्या? हाँ देखा है। अब आपको उसमें क्या करना है, किस तरह से करना है ये समझाता हूं। क्या आपको दो दो पिन लेनी है जो अपने नोटिस बोर्ड में लगाते हैं ना, वो ऐसी पिन हो, चाहे दो खिल्लियां ले लो या निडल ले लो, कुछ भी ले लो, दो चीजें ले लो जो अंदर जा सके उनको। ऐसे हम मान लीजिए दो हमने पिन ली है, ऐसे लगा दी, फिर उसके यहाँ पे और यहाँ पे धागा बांध दीजिए और धागे की लंबाई थोड़ी बड़ी होनी चाहिए इनके डिस्टेंस से, इसको F1 बोलो, इसको F2 बोलो। धागे की लंबाई थोड़ी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आप पेन और पेंसिल फंसाइए और उसको थोड़ा स्ट्रेच करके उसको ड्रॉ करोगे ना बेटा, तो आपको कौन सा शेप मिलेगा, एलिप्टिकल। यहाँ पे ऐसे पेंसिल लगा के खींच लीजिए उसको, स्ट्रेच कर लीजिए, टूटे नहीं तब तक, और फिर ऐसे ड्रॉ कीजिए, सर्कल बनाने का ट्राई कीजिए। तो सर्कल की जगह कौन सी ऑर्बिट बनेगी, एलिप्टिकल ऑर्बिट। बोलो पता चला, बोलो पता चला, आगे ना। अगर आपको सर्कल बनाना है तो एक पॉइंट लीजिए, उस पर धागा बांध दीजिए, दूसरे पॉइंट पे आप पेन बांध दीजिए और ड्रॉ कीजिए, तो क्या बनेगा, सर्कल। पर अगर ये दोनों पॉइंट, दो पॉइंट अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए और बीच में धागा बांध के यहाँ पे उसको स्ट्रेच करके ड्रॉ कीजिए, आपको कौन सा शेप मिलेगा, एलिप्टिकल। बोलो समझ में आया कि नहीं, हाँ के ना, मैसेज फास्ट बच्चों जल्दी, हाँ के ना, किस तरह से एलिप्टिकल ऑर्बिट हम ड्रॉ करेंगे, समझ में आया। प्राइवेटली मैसेज मत करना, यस यस यस, जल्दी मैसेज करो, थोड़ा स्पीड में काम करो, यस समझ में आया। तो बताइए सर्कल के अंदर कितने सेंटर होते हैं, एक, पर एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर कितने सेंटर हुए, दो। तो इनको हमें फोकाई बोलना है, क्या बोलना है, फोकाई। क्या बोलते हैं इनको, FOCI या FOCCI, ऐसा कुछ स्पेलिंग है, देख लेना, फोकाई, ओके, वन ऑफ दी फोकाई, ठीक है। इसका मतलब यहां पे एक फोकाई होगा और यहां पे एक फोकाई होगा, F1 और F2। अब सन या तो यहां पे है या तो यहां पे, सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई, ये उनका लॉ था, समझ में आया, हाँ के ना, यस। फिर ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम सन यहां पे लेते हैं, ये जो पॉइंट है इसको पेरिहीलियन, क्या बोलते हैं, पेरिहीलियन। जो सन के नजदीक वाला पॉइंट होगा उसको पेरिहीलियन, यानी अर्थ घूमती घूमती ऐसे आएगी, जब ठंडी है, अभी ठंडी चल रही है ना, तो अर्थ कौन से पॉइंट पे हो सकती है, पेरिहीलियन। और जो दूर वाला पॉइंट है बच्चों, इसको बोलते हैं एपिहीलियन, समझ में आया, दिस इज पेरिहीलियन एंड दिस वन इज एपिहीलियन। क्या बच्चों क्लियर लॉजिक, यस और नो, एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात चल रही है, क्या इतना लॉजिक क्लियर हुआ, यस बिल्कुल ना। जो नजदीक है सन के, अब ये याद कैसे रखना है भाई, तो याद रखने का तरीका ये है बच्चों, जो प्यारी चीज है वो नजदीक होती है, प्यारी का स्टार्ट पी है और यहाँ पे पेरिहीलियन भी पी है, यस और नो। दूसरा होता है एपिहीलियन, वो तो पता चल गया, जो प्यारी चीज है वो नजदीक है, जो प्यारी नहीं है वो दूर है, तो पेरिहीलियन एंड एपिहीलियन याद रह गया, यस बढ़िया सिंपल कंसेप्ट। अच्छा
अब इसमें एक और बात आपको याद रखनी है कि मान लो ए अकेला होगा, यहां पे इतनी जो लेंथ होगी इसको ए बोलेंगे और यहां पे इतनी जो लेंथ होगी इसको बी बोलेंगे, ये ए हो जाएगा। तो ए को बोलना है आपको सेमी मेजर एक्सिस और बी को बोलोगे सेमी माइनर एक्सिस। क्या बच्चों मेरी बात उतरी दिमाग में? यस और नो? सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस, हाँ के ना? यस और नो? समझ में आया? बिल्कुल। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिप्टिकल ऑर्बिट। बच्चा स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। क्लियर? यस डन। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट and sun is situated at one of the foci. This is the Kepler's first law, law of orbits. Second है बच्चों, second law of Kepler, second law of Kepler. इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया। अब ये लॉ समझते देखो किस तरह से बढ़िया बात उन्होंने करी और बहुत ही बढ़िया बात आपको मैं बताता हूं। अब देखो आपको एक इमेजिनेशन करना है, समझो कि भाई जो प्लेन है उसकी स्पीड, आप यहां हो और प्लेन है उसकी स्पीड है जो बहुत ऊपर से जा रहा है 300 किलोमीटर पर आवर, और वही प्लेन अगर आपके जस्ट ऊपर से जा रहा हो उतनी ही स्पीड से, तो आपको कौन से केस में, ये मान लीजिए फर्स्ट केस है और ये सेकंड है, कौन से केस में स्पीड ज्यादा लगेगी? हालांकि दोनों सेम है, स्पीड ऑफ द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, पर हमें ज्यादा महसूस होगी कौन से केस में? सेकंड केस, सही है कि नहीं? इन सेकंड केस वी ऑब्जर्व दैट प्लेन इज एट वेरी हाई स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अस, हाँ ऐसा महसूस होता है हमसे, ऐसा होता है। जैसे कि आप देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, सेम स्पीड है दोनों में, सेम स्पीड है, एक बाइक मेरे सामने से जा रही है, आपको नहीं दिखेगी क्योंकि पीछे से है, आपके पीछे जा रही है, इधर आप मेरे साइड देख लो और मैं उसको देख रहा हूं, सेम स्पीड से जा रही है, ठीक है, ये पहला केस। और दूसरा केस, दोनों में स्पीड सेम है पर दूसरे केस में वो मेरे नजदीक थी, नजदीक से गई, यस और नो? हाँ कि ना, फील हुआ कि नहीं? तो ये बात मैं क्यों कर रहा हूं बच्चों, आपको ये समझ में आ रही है? और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं उसका रीजन बताता हूं कि लॉ ऑफ एरिया में ये आने वाला है। चलो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहां पे मान लो सन वन ऑफ द फोकाई पे यहां पे सिचुएटेड है, तो भाई मान लो प्लेनेट ये पेरिहेलियन है और ये एपिहेलियन है, जब प्लेनेट पेरिहेलियन के पास होता है तो मान लो ये हो गया P3 और ये हो गया P4 पोजीशन ऑफ प्लेनेट। अगर मैं यहां पे टाइम डेल्टा टी लू, क्या लेता हूं बेटा? टाइम डेल्टा टी,
तो जब हम सन के रिस्पेक्ट में इनको ऑब्जर्व करते हैं प्लैनेट को, तो 3 से 4 आए डेल्टा टी टाइम, पर अगर उतना ही टाइम यहां पे दिया जाए तो वो प्लैनेट ऐसे घूमता घूमता यहां पे P1 मान लीजिए और यहां पे P2, तो P1 से P2 आएगा, P1 से कहां आएगा P2, और यहां पे वो P3 से P4 आएगा। क्या ये बच्चों सही ड्रॉ किया है मैंने? क्या आपको फील हो रहा है? हां केना, व्हेन प्लैनेट इज पासिंग फ्रॉम पेरिहेलियम देन वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा विद रिस्पेक्ट टू सन, वो एपिहेलियन वाले पॉइंट के पास वाले डिस्टेंस से बहुत ज्यादा होगा। यस यस यस, समझ में आ गया। मान लीजिए डेल्टा टी बहुत छोटा है और यहां पे इसकी वेलोसिटी वी है, तो वी वेलोसिटी से ये जो डिस्टेंस टी टाइम है ट्रैवल होगा वो कितना होगा? डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा? वी डेल्टा टी। तो P3 से P4 जो होगा वो वी डेल्टा टी डिस्टेंस हो गया, पक्का? यस। और ये जो रेडियस है, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, ये जो पोजीशन है, ये आर है, ये कितनी है? आर है। तब मुझे ये जो शेप बन रहा है, ये ट्राइंगल जैसा लग रहा है बच्चों, किसके जैसा लग रहा है? ट्राइंगल जैसा। हाँ कि ना? यस और नो? यस, ये ट्राइंगल जैसा लग रहा है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एस P3 P4 एरिया वेक्टर, ओके, और यू कैन राइट डेल्टा ई इज इक्वल टू हाफ बेस आर क्रॉस अल्टीट्यूड वी डेल्टा टी, क्योंकि एरिया क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है, ऐसा तो हम देख चुके हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स एरिया इन चैप्टर नंबर 7। अगर किसका? क्वाड्रिलेटरल का। अगर उसका आधा कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ के ना बच्चों, मैसेज करो। हाँ के ना, जल्दी से मैसेज करो फटाफट। यस यस यस, समझ में आया? यस, क्लियर क्लियर, ये समझ में आया ना? ये बेस हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, आप डेल्टा टी बहुत छोटा लोगे तो ये सीधा तो ही होगा ना, आर्क सीधा हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? आर क्रॉस बी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को नीचे लेके आओ तो डेल्टा ए वेक्टर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ आर क्रॉस बी, आर क्रॉस बी। अच्छा, अब यहां पे ध्यान से देखना, ये डेल्टा टी तो नीचे आ गया, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं कर रहा हूं 1/2m × r × mv। ओहो, क्या किया सर ने? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द मास ऑफ द प्लैनेट। मास ऑफ द प्लैनेट, व्हाट इज m? m इज मास ऑफ प्लैनेट। V is the velocity of the planet. R is the position vector with respect to the sun of the planet. Okay. Now we all know this is R cross P upon 2m, because we all know mass into velocity is the linear momentum of the object. So that we can put momentum P. Now R cross P. What is R cross P? Message fast. क्या बच्चों आपको मैंने equation कराया था? आर क्रॉस पी को हम क्या बोले थे? क्या? यस, आमतुल्ला का आंसर बिल्कुल करेक्ट। एंगुलर मोमेंटम एल अपॉन टू एम, देन फाइनली वी विल गेट दिस इक्वेशन डेल्टा ए बाय डेल्टा टी
इज इक्वल टू एल अपॉन टू में, वहां पे हमने आर क्रॉस पी की जगह क्या लिखा बच्चों, एंगुलर मोमेंटम एल। क्या बच्चों ये केपलर जो थे उनका एक्सप्रेशन आप एक्सप्लेनेशन एक्सप्रेशन नहीं एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया? यस और बिल्कुल क्लियर? हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड से स्टार्ट किया और ये आंसर आया। अब ये क्या है ये आपको बताया जाता है। मान लो बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो इसको आप क्या बोलते हो? इस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या बोलते हो? फटाफट वेलोसिटी। यस, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ इतने टाइम में तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी। तो जैसे ये सन ऐसे चल रहा है, सॉरी प्लैनेट ऐसे जा रहा है, तो ये प्लैनेट है और ये सन है, तो ये नाइन कुछ एरिया निकाल रही है। कितना एरिया निकाल रही है? डेल्टा ए। कितने टाइम में? डेल्टा टी। तो इसको बोला गया एरियल वेलोसिटी। क्या बोला गया बच्चों? एरियल वेलोसिटी। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना ही है। बोलो समझ में आया बच्चों? स्क्रीनशॉट लो, अभी बाकी है चैप्टर सेकंड लो, पर इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अच्छे से समझ लिया आपने? सो डोंट वरी अबाउट एरियल वेलोसिटी। अच्छा इसका यूनिट बता दो फटाफट, यूनिट क्या होगा? एरिया अपॉन टाइम यार मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। एमएलटी क्या हो जाएगा? एम जीरो एल टू टी माइनस वन। ये सारी बातें आती हैं, यूनिट लिखना और ये अपना एमएलटी बनाना तो आपको आता है। स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट? चलो डन। यस हो गया। मैसेज आए कि ना आए, मैं मेरा काम आगे बढ़ा लूंगा बच्चों। ये एक्सप्लेनेशन आपको बताया। अब केपलर सेकंड लॉ इसी एक्सप्लेनेशन के बाद समझ में आता है। तो भाई हमें पता है अब एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, यू कैन राइट डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एल अपॉन टू एल। अब यहां पे समझने वाली बात ये है कि बच्चों प्लैनेट पे कोई धक्का लगा रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है? नहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क ऑन प्लैनेट नहीं लग रहा, तो समेशन टाउ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो L क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट। अगर L कॉन्स्टेंट है तो डेल्टा A बाय डेल्टा T क्या हो जाएगा बच्चों? कॉन्स्टेंट। यस सर, दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ, एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ। समझ में आया कि नहीं बताइए? आगे ना, अगर प्लैनेट पे लगता हुआ एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, अगर प्लैनेट पे लगता हुआ एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि एल कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ एल इज कांस्टेंट देन यू कैन से अकॉर्डिंग टू द लीस इक्वेशन एल इज कांस्टेंट मास इज आल्सो कांस्टेंट, so that you can say aerial velocity is constant and this is known as Kepler's second law. Kirchhoff scientist का नाम है एक और, Kepler's second law, okay? Law of area. तो कैसे law बनाया उन्होंने? देखो, the line joining sun and planet, सन और प्लैनेट को जॉइन करती हुई लाइन है SP3। तो भाई द एरिया स्वीप आउट बाय द
लाइन जॉइनिंग सन एंड द प्लेनेट इज इक्वल इज कॉन्स्टेंट, हाँ कि ना? और एवरी प्लेनेट फॉर एवरी प्लेनेट एरिया स्वीप आउट बाय द लाइन जॉइनिंग सन एंड द प्लेनेट इज इक्वल फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, ये भी आप बोल सकते, आगे ना? इन इक्वल टाइम इंटरवल एरिया स्वीप आउट बाय द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लेनेट इज इक्वल, आगे ना? समझ में आया? यहां पे जो एरिया होगा वो जो डेल्टा टी टाइम में इन्होंने यहां पे एरिया निकाला वही एरिया यहां पे भी होगा, तो आप लिख सकते हो यहां पे जो एरिया है एरिया ऑफ एस पी वन पी टू इक्वल्स टू एरिया ऑफ एस पी थ्री पी फोर, क्योंकि एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, यानी जितना यहां पे एरिया निकाल रहा है उतना वहां पे एरिया निकलेगा, बोलो समझ में आया? यस और नो? तो दिस इज केपलर्स सेकंड लॉ, ए लॉ ऑफ एरिया, स्क्रीनशॉट लो, समझ में आया कि नहीं? यस क्लियर ना बच्चों? यस यस, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया। तो भाई ए एवरी प्लेनेट फॉर द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लेनेट स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, हाँ के ना? Because delta A by delta T is constant, हाँ के ना? Yes or no? The line joining sun and planet sweep out equal area in equal time interval, यानी यहाँ पे जो time interval आपने delta T लिया उसमें जितना area sweep हुआ वहाँ पे भी उतना ही होगा, ये है law of area। चलो screenshot ले लिया, नहीं लिया तो ले लो। Last law केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर का तीसरा लॉ क्या है? थर्ड लॉ ऑफ केपलर, तो बच्चों थर्ड है लॉ ऑफ पीरियड्स, थर्ड लॉ ऑफ केपलर लॉ ऑफ पीरियड्स, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, सेकंड लॉ ऑफ एरिया एंड थर्ड इज लॉ ऑफ पीरियड। यानी बच्चों कि जैसे ये हम लोग एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं, यहाँ पे सन है मान लीजिए, तो अगर यहाँ पर प्लेनेट घूम रहा है इस तरह से तो रिवॉल्यूशन का कुछ टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड कितना होता है? सपोज टी, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड सन इज टी, ओके? मान लीजिए कोई प्लैनेट की जगह हम अर्थ ही मान लेते हैं, तो अर्थ के लिए टाइम पीरियड कितना होता है बताओ? तो यू कैन से वन ईयर, वन ईयर, एक साल में अर्थ सन का एक चक्कर पूरा करती है, यस। अच्छा ये क्या है बच्चों? तो इसको बोलते थे हम लोग ए, इसको हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, यस। तो सेकंड लॉ ये है जो हम प्रूफ आगे देखेंगे, क्योंकि उसके लिए और भी आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, दिस इज द केपलर्स थर्ड लॉ विच इज नोन एज लॉ ऑफ पीरियड्स। ये प्रूफ हम आगे डेफिनेटली 101% देखेंगे, क्योंकि मैंने, मेरे को कई बच्चे कहते हैं कि सर ये पढ़ाओ, फिर मैं उनको कहता हूं कि मैं ये बच्चों आगे पढ़ाऊंगा अभी नहीं। जैसे कि 6th चैप्टर का एक कंसेप्ट है, वो मैंने 2 दिन पहले ही आपको समझाया था, बॉल का पढ़ना। ऐसा मुझे एक बच्चे ने कहा सर ये हमें नहीं पता चलता, तो मैंने वो सिखाया था, मैंने उनको पहले बोला था मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। उसी तरह से बच्चों सेकंड चैप्टर में एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके एमएलटी आ रहे थे, एंगुलर मोमेंटम, हाँ कि ना? उस टाइम भी बच्चों ने मुझसे पूछा
कि सर ये सिखाओ, मैं कह नहीं सिखाऊंगा, मैं चैप्टर 7 खत्म होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर 7 में उनके इक्वेशन और यूनिट वगैरह आपको आ चुके हैं, अब आप उनके एमएलटी बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको अभी ये बता रहा हूं कि मैं ये चैप्टर के आगे के पार्ट में ये होगा प्रूफ इसका जो बताया जाएगा, सो डोंट वरी। हाँ, इसको बोलेंगे कैसे, तो के स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। ओके, हाँ के ना, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस, और यू कैन से सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि इसमें दो रेडियस होती है भाई, ये छोटी वाली और ये बड़ी वाली। पक्का t square is proportional to a cube, t square is proportional to a cube, और अर्थ है तो कितना टाइम पीरियड है उसका, 1 year। हाँ, 4 साल में ये एक दिन बढ़ जाता है, वो थोड़ा सा चेंज होता है। इसी तरह से जो सबसे दूर है वो अभी तक कौन सा है, प्लूटो, उसका 248 years है, यानी जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है, और प्लूटो का कितना है बच्चों, 248 years। तो क्या बच्चों, इस लेक्चर में केपलर के तीनों लॉस क्लियर हो गए आपके? बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।